अमरोहा जनपद के नौगावा सादात विधानसभा के प्रत्याशी मेहंदी हसन इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। नौगावा विधानसभा के प्रत्याशी मेहंदी हसन ने बताया कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार में गरीब लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है और लखीमपुर खीरी जैसे मामले में बीजेपी सरकार चुप है और बीजेपी की साजिश से किसान लोगों के ऊपर कार चलाने वाले मंत्री का बेटा गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोगों को सरकार की किसी भी सुविधा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उसी का बदला लेने के लिए राष्ट्रीय लोकदल आने वाले विधानसभा चुनाव लड़कर ही प्रदेश से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि अमरोहा के रजबपुर में आने वाली 11 तारीख को विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल की एक विशाल जनसभा होने के लिए जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी सिंह विधानसभा सीट को मजबूत बनाने के लिए एक विशाल जनसभा संबोधित करेंगे और लोगों को राष्ट्रीय लोकदल को जिताने के लिए अपील करेंगे, जिसको लेकर पार्टियों के प्रत्याशियों ने जयंत चौधरी के आने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। समर इंडिया के लिए अमरोहा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। आज देश में जो है ऐसी सरकारें चल रही हैं जिन्हें अलावा डिवाइड एंड रोल की पॉलिसी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। हिंदू मुसलमान को लड़ाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। किसानों का हाल आप देख रहे हैं, तकरीबन 10-11 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और अब तो हालत यह है कि अभी लखीमपुर खीरी में बीजेपी सरकार के केंद्र सरकार के मिनिस्टर के बेटे ने जो है गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ा दी। लोकतंत्र का देश है, हर आदमी का विरोध करने का अधिकार है, उस अधिकार को आप छीन नहीं सकते। लेकिन आज हालात ये हैं कि आज कुछ नहीं बचा है। आज लोकतंत्र के चारों पिलर ध्वस्त हो गए हैं। आज जुडिशली नहीं बची है, आज प्रशासन नहीं बचा है, आज सरकारें सब कुछ खरीद बेच चल रहा है, सब कुछ जो है मीडिया को खरीद लिया गया है। कोई मीडिया का चैनल आप किसी को भी देख लीजिए, सिर्फ बीजेपी का प्रचार कर रहा है, दिल्ली और केंद्र और यूपी सरकार का प्रचार कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग चुनाव सामने है, हम लोग अब चुनाव में उतरने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है राष्ट्रीय लोकदल जो किसानों की पार्टी है, हमारे बड़े चोईसा चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, चौधरी अजीत सिंह जी किसानों के नेता थे, और अब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उन्होंने भी अब शुरुआत की है तो किसानों को लेके की है। इन लोगों के क्योंकि खुद भी किसान हैं, इन लोगों के जो है खून में किसान मजदूर का दर्द मौजूद है। हम उस पार्टी को लेके आज जो है ना समाजवादी लोकदल के गठबंधन के साथ और भी एक दो जो है कुछ छोटी पार्टियों का गठबंधन हुआ जहां तक हमें जानकारी है, और हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। अगर पार्टी ने हमें मौका दिया चुनाव लड़ने का तो पब्लिक के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, किसानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे और अपने अधिकारों की बात करेंगे। भाई आज तो जो है ना इन सरकारों ने हर आम आदमी के अधिकारों को से वंचित कर दिया है। आज तक जहां 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, किसी को नौकरी नहीं मिली है, सब कुछ सामने मौजूद है। विकास के नाम पर कोई आदमी बता दे कि कोई एक ईंट कहीं लगी हो या किसी को काम किया हो। अब आ गया जब ये 5-6 महीने बचे हैं तो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि सरकार कहीं वोट लेने के चक्कर में कुछ विकास की बात थोड़ी बहुत कर रही है। तो लिहाजा हम लोग उतरने जा रहे हैं, हम पूरे जो है ताकत के साथ उतरेंगे। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो